स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग बेटा, अब आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 को हम कर रहे हैं। इसके अंदर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक की पोजीशंस बताई थी, तो उसी तरीके से हम इस डिजिट को देखेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और टेन थाउजेंड। अब देखो, नाइन कहां पे आ रहा है? टेन थाउजेंड पे, तो यहां क्या आ जाएगा? नाइन। टू कहां पे आ रहा है? थाउजेंड पर, तो यहां क्या आ जाएगा? टू। फाइव कहां पे आ रहा है? हंड्रेड पर, तो यहां क्या आ जाएगा? फाइव। फिर टेन कहां पे आ रहा है? सेवन, टेंस पर, तो यहां क्या आ जाएगा? सेवन। और नाइन कहां आ रहा है? वंस पर। किसी को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में? सभी को समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देखो, इसका सी पार्ट डी पार्ट इसी तरीके से जिसे आपको करना है, जो ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सी पार्ट देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक। ठीक है, अब देखो, थ्री लैक, तो यहां थ्री आ जाएगा। फिफ्टी सेवन थाउजेंड, तो फिफ्टी सेवन थाउजेंड। उसके बाद फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फोर। एनी डाउट बेटा? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? अंगद, रणवीर, जानवी, शिवांगी, किसी को डाउट है? मानवी। तो जिस तरीके से हमने ए क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से बी क्वेश्चन होगा, और जिस तरीके से हमने सी क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से हमारा डी क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट न्यूमरल इन द टेबल, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी फर्स्ट आपके सामने कंप्लीट करके दिया जा रहा है, बाकी बी सी और डी आपको अपने आप कंप्लीट करने हैं। जैसे ये लिख रहा है, नाइन लैख एट, टेन थाउजेंड, सेवन थाउजेंड, सिक्स हंड्रेड, फाइव टेंस और फोर वंस। तो मैंने यहां पर टेबल बना दिया, देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैख। अब नाइन काय पे आ रहा है? लैख पर, तो यहां नाइन लिख दिया। फिर एट काय पे आ रहा है? टेन थाउजेंड पर, तो ये टेन थाउजेंड पर एट लिख दिया। फिर थाउजेंड काय पे आ रहा है? सेवन पर, तो सेवन मैंने थाउजेंड पर लिख दिया। फिर सिक्स किस पे आ रहा है? हंड्रेड पर, तो सिक्स हंड्रेड पर लिख दिया। फाइव टेंस पर और फोर वंस पर। एनी डाउट बेटा? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? किसी को भी हो, अंगद, रणवीर, मैं बार बार कह रहा हूं, वर्क करते समय किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या करना है? राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, यानी हमें इन वर्ड्स में लिखना है उसको। जो नंबर नेम अब तक लिखते हुए आए हो ना, वो लिखनी है। मैं इसमें सबसे बड़ी डिजिट ले लेता हूं इसकी, 998991। ये आपका है क्वेश्चन नंबर ई, 998991। ठीक है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक। सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये लैक की डिजिट है। अब नाइन के ऊपर क्या लिखना है शिवांगी? शिवांगी, नाइन के ऊपर क्या लिख रहा है? नाइन के ऊपर क्या लिख रहा है बेटा? नाइन के ऊपर नाइन के ऊपर क्या लिख रहा है? नाइन के ऊपर नाइन के ऊपर क्या आ रहा है? लैक। तो नाइन लैक, वेरी गुड। इस तरीके से आपको इनको नंबर नेम को कंप्लीट करना है। किसी को डाउट है? अंगद, रणवीर,
अंगद रणवीर, अंगद अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, जैसे इसका है 4, 5, 8, 9, 5, बी है, बी है 9, 8, 4, 0, 5। हेलो हाँ बेटा, चलो आप वर्क ले लेना, ठीक है। 9, 8, 4, 0, 5, 8, 9, 8, 8, 9 और डी है आपका 5, 9, 5, 8, 8, 1। सी ई ई मैंने आपका कर दिया, एफ 8, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 9, 1, 0, 1, 0, ये आपका जी हो गया। एच है आपका 6, 9, 9, 5, 9, 1 और आई है आपका 4, 3, 0, 2, 7, 0, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर फर्स्ट, कितने थाउजेंड्स बराबर 20 हंड्रेड्स होते हैं, तो यहां आ जाएगा 2000। नंबर टू, 3 लैक्स इज इक्वल टू कितने 10,000 होंगे, 30। नंबर थ्री, 2 लैक इज इक्वल टू 200,000 एंड नंबर फोर जो लास्ट क्वेश्चन है, 5 लैक्स इक्वल टू 5,000 हंड्रेड्स। अब बताओ बेटा इन क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत है? बेटा